बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए क्वेटा के बारे में है। डीएचए क्वेटा के जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी स्लाइड डाउन की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी डीएचए क्वेटा जो है उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा डाउन क्यों जा रही हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शटर होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने कहा लोगों को थोड़ा सा अप्राइज करूं कि डीएचए क्वेटा की बेसिकली प्राइसेस स्लाइड डाउन होने की रीज़न ये है कि मुल्क में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मार्केट के अंदर बायर जो है वो भी कम है। सर्दियों का वेदर का इम्पैक्ट कुछ इस तरह है कि क्वेटा के अंदर इस वक्त एक्सट्रीम वेदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दियां काफ़ी सख्त पड़ रही हैं तो क्वेटा के अंदर तो और भी ज़्यादा सख्त सर्दियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना बाइंग सेलिंग कम हो रही है। तो डिमांड कम होने की वजह से वो जो है प्राइस थोड़ी स्लाइड कर रही है। इसके अलावा जो बारकोड है उसकी प्राइस स्लाइड की है, उसकी वजह ये है कि सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डीएचए क्वेटा ने अभी नई बारकोड फाइल्स जो हैं वो रिलीज़ की हैं, जिसकी वजह से डीएचए क्वेटा की बारकोड की वैल्यू थोड़ी सी नीचे गई है। तो बारकोड की वैल्यू नीचे जाने की वजह से एक ट्रेंड सेट होता है, तो बाकी भी जो चीज़ें हैं उनका जो इसमें ओपन एफिडेविट तो स्टैटिक है, 36.5 से 37.5 के ऊपर है। बाकी जो A6 की फाइल है वो 44 के लगभग आई हुई है, 43 to 44, और जो अनसक्सेसफुल है वो तकरीबन 41 के करीब आई हुई है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और डीएचए क्वेटा ने जो रीसेंट अनाउंसमेंट की है उससे, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि ये मार्केट जो है ये फरवरी एंड या मार्च में तेज़ी पकड़नी शुरू होगी, जब कंस्ट्रक्शन सीज़न जो है वो खुलेगा क्वेटा में और वहाँ पर अर्ली बर्ड का पोजेशन बल्क में दिया जाएगा और लोग अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी जो वहाँ पर सिग्नेचर हाउसेस बन रहे हैं और जो A2 में या A3 में घर बन रहे हैं एक दो, उनकी भी कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे रुकी हुई है, क्योंकि वेदर ही इस तरह का है कि जी आप क्वेटा की तो बात छोड़ें, आप लाहौर की अगर बात करें तो दिन जो है वो तकरीबन आप समझ लें 5:30-6 बजे के करीब मगरिब हो जाती है। तो जो मिस्त्री होता है, जो काम करने वाला कंस्ट्रक्शन करने वाला है, वो तो उससे घंटा डेढ़ पहले ही काम ख़त्म कर देता है। तो दिन बहुत छोटे हैं, कंस्ट्रक्शन सीज़न नहीं है, धूपें नहीं लग रही, सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बूम पे जा रही है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फरवरी के मंथ में एक्सपेक्टेड है, फरवरी के एंड में और मार्च के मिड तक जो है ना ये प्राइसेस बेहतर होनी शुरू होंगी। और जिसने भी जो भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं वो उनके लिए एडवाइस ये है कि वो फ़ौरन से पहले ख़रीद लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जो है वो फाइल्स ख़रीदी भी हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एक्सपेक्ट कि जी वो मार्च के मिड तक या अप्रैल के स्टार्ट में, मार्च के एंड में प्राइसेस बेहतर हो जाएगी। अभी डीएचए क्वेटा ने एक और अनाउंसमेंट की है, वो ये है कि जी 30 जनवरी 2024 को अर्ली बर्ड कमर्शियल जो लॉन्च हुआ था और उसमें लोगों ने एक जो है एक नाल की, 8 मरले की और 4 मरले की जो अर्ली बर्ड हैं वो ख़रीदी थी, उन बैलेट में निकली थी और फिर लोगों ने मार्केट से भी ख़रीदी थी और उनकी उसका बैलेट करने के लिए जा रहा है डीएचए क्वेटा। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो भी ड्यू हैं वो विदाउट एनी सरचार्ज 20 जनवरी तक पे कर दें, और 20 जनवरी तक अगर आप पे कर देंगे तो आप पे कोई सरचार्ज नहीं होगा और जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे वही बैलेट में शामिल होंगे, उसके अलावा जो हैं वो शायद बैलेट में शामिल नहीं करेंगे। तो ये डीएचए क्वेटा की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एक और कंपनी है, उस कंपनी का नाम मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। उनके साथ डीएचए क्वेटा ने अभी एक एग्रीमेंट किया है जिसमें जो अर्ली बर्ड सेक्टर है A1 A2 A3, इसकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग से मतलब है कि प्लानिंग तो पहले ही उन्होंने की हुई है, टाउन प्लानिंग करके मैप तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर उसकी जो है लेआउट कैसा होगा, उसकी रोड्स कैसे होंगी, रोड्स के साइड्स पे दाएं बाएं क्या होंगे, घरों के
जो प्लॉटिंग है उसके दाएं बाएं कहाँ क्या होगी, फिर उसके बाद वो सारी जो उसकी प्लानिंग है वो करेंगे डिज़ाइनिंग, और उसके अलावा वहाँ पर वो कंपनी जो है वो एक सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट लगाएगी। ये सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट कुछ इस तरह होता है कि एलएनजी, जैसे आजकल पाकिस्तान में एलएनजी इंपोर्ट की जाती है और वो घरों में यूज़ की जाती है, तो ये प्लांट लगाने का मकसद ये है कि बेसिकली डीएचए क्वेटा की वसिनिटी में या उसके अंदर ही एक जगह डेडिकेटेड वहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा। गैस पाइपलाइंस ले आउट कर दी जाएंगी जिस तरह सुई गैस की होती हैं, सुई नदरन या सुई सदरन जैसे गैस पाइपलाइंस का अपना एक नेटवर्क ले आउट करता है, और घरों तक गैस जो है वो पाइपलाइंस में जाती है, सिलेंडर्स में नहीं जाती है। तो सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट जो है वहाँ पर लग रहा है, तो डीएचए क्वेटा काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स ले रहा है, और इंशाल्लाह ताला मैं ये फोरसी करता हूँ कि ये फरवरी के एंड तक और मार्च के मिड तक प्राइसेस में बेहतरी आ जाएगी, अप्रैल में तो बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें, आपको अच्छी एडवाइजेस दूंगा और इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।